वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आजकल के दौर की बात करते हैं, बात करते हैं पॉजिटिविटी बांटनी चाहिए, लेकिन इस पॉजिटिव से एनवायरनमेंट में भी हमें बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भी मिलती है। क्यों मिलती है, वजूहात क्या होती हैं, लोग इतने नेगेटिव क्यों हो गए, हमने अपने आप के अंदर से वो चीज़ें क्यों निकाल दी हैं, अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ में कोई नेगेटिव बात ढूंढते हैं, इवन अपने रवैयों को भी नहीं देखते और दूसरों पे क्रिटिसिज्म के लिए हम बहुत आसानी से एक वे आउट ढूंढ लेते हैं। आज अब हम तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं, नेगेटिविटी पर बात करने वाले हैं कि हमें पॉजिटिविटी किस तरह से ढूंढनी है, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी साइकोलॉजिस्ट आमिना खालिद। वेलकम टू द शो आमिना, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आमिना। सबसे पहले तो हम बात करें लोग नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी है क्या? बेसिकली नेगेटिविटी आप ये कह लें एक मनफी रवैया है, हर चीज़ को एक मनफी अंदाज में देखने के। ये शुरू जो है बड़ी आहिस्ता सटली और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम से इंसान नेगेटिव हुआ और हर किसी को इर्द गिर्द पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, जैसा मैं हमेशा से कहती आई हूँ, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि जब तक वो एक फुल ब्लूम किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, अक्सर लोगों को उसका पता ही नहीं चलता, अवेयरनेस ही नहीं आती। स्टार्ट होगी बहुत बेसिक लेवल से, किसी एक छोटी बात पे आपको कोई नेगेटिविटी आ गई, फर्स्ट कर लें फ्रेंड्स के बीच में बात कर लें, इन लॉज के बीच में बात कर लें, वर्क प्लेस पे बात कर लें, घर पे अपने घर पे बात कर लें, क्या हो गया, कोई छोटी सी चीज हुई आपके साथ, कुछ बुरा हो गया या कुछ अनफेयर हो गया या किसी और को ज्यादा प्रेफरेंस मिल गई, आपने एकदम से वो नेगेटिविटी पिक कर ली। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी पिक करना ये नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी की तरफ भी आ जाता है, ताकि हर इंसान परेशान ना ना हो जाए कि हम तो हर चीज़ ही नेगेटिव लेते हैं, बिल्कुल पता नहीं हम तो पागल हो गए, ऐसा नहीं है। हर इंसान नॉर्मल है, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिव जरूर हो जाता है, हम जिन चीज़ों को लेके सेंसिटिव होते हैं उनको लेके हम जरूर थोड़ा बहुत अपसेट हो जाते हैं, ज्यादा फील कर जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि वो फिर हमें थोड़ा बेहतरी की तरफ लाते हैं कि अच्छा ये थोड़ी सी गलती हुई, ये इस तरह हमारे साथ हुआ, अब हम इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल। मसला कहाँ पे पेश आता है, जब ये बीमारी नेगेटिविटी की बीमारी, मनफी रवैये की और मनफी सोच की बेसिकली बीमारी, वो आहिस्ता 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 हमारी जिंदगी के हर हिस्से पे प्रिवेल करनी शुरू कर देती है। इसमें क्या होता है, जब ये बढ़ती है ना, पहले तो हम कहते हैं सिर्फ इंसान नेगेटिव हो गया, इसकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो गई, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कह लें कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, वो नेगेटिविटी का एक नेक्स्ट स्टेप होता है। उसमें ये होता है, आप चाहें या ना चाहें, अब आप हर चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू हो गए, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक थॉट्स में कन्वर्ट हो गए, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आप अगर जॉब करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, आप पढ़ते हैं आपकी एजुकेशनल लाइफ होगी, दोस्तों के साथ करते हैं, बाहर जाते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, आपकी सोशल लाइफ होगी, अब हर जगह में ना आप कह लें कि नेगेटिविटी ने आपके ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया, आप हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, दोस्त ने कुछ बात कर दी मेरे साथ ही क्यों, आप बायस्ड हो जाते हैं। ये फिर आप कह लें कि अगला फेज क्या आता है कि सोच की, इनको एक हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कि मनफी सोचें जो है ना वो आहिस्ता 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 आपकी सोच का पैटर्न बन गई है, जिससे आपकी आदतें नहीं पक्की हो जाती, इसलिए आपकी सोच भी पक्की, बिल्कुल अब आपकी सोच पक्की होगी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये सारी जो नेगेटिव होती है ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तजर्बात एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आती है, या एक नेचुरल टेंडेंसी भी होती है इंसान में कि वो ज्यादा जल्दी पिक करे। देखिए कोई भी इंसान ना मनफी पैदा नहीं होता, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। कोई भी इंसान, कोई भी आप बच्चा देख लें, ऐसा नहीं होगा जो पैदा हुआ और पैदा होते सारी वो हर चीज पे शोर और वावेला मचा, ये सोशल लर्निंग होती है, आहिस्ता 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 हम सोशल लर्निंग करते हैं। इसकी दो तीन वजूहात हैं, एक तो ये सोशल लर्निंग होती है, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी के साथ बुरा हुआ हम उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं, वो इस सिचुएशन में था उसके साथ भी ऐसा हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ये कह लें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हमने पॉजिटिविटी को बिल्कुल साइड पर कर दिया। अगर 10 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव हो रही हैं लेकिन 2 नेगेटिव हो गई, हम सिर्फ उन्हीं को पैक करेंगे कि जी नहीं देखा उस टाइम भी हुआ था ये अब भी हो गए, हम नेगेटिव जो है ना प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये दूसरी वजह क्या होती है, हम अपने इर्द गिर्द की जो एक्सपीरियंसेस देखते हैं, उसके साथ बुरा हुआ मेरे साथ भी बुरा होगा, फिर सोशल लर्निंग हमारी ऐसे होती है, हमारे माँ बाप बचपन से देखे, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को ना इनकरेज करें, बचपन से आप इनकरेज करेंगे तो बड़े होकर उनका पैटर्न ही है। बचपन से हमें जो सबसे ज्यादा बच्चों को सुनने को लफ्ज मिलता है वो होता है नहीं, नहीं, नो, पैदा होते सार उन्होंने बोलना शुरू किया नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतना रिलीजियस कॉनोटेशन हम अटैच कर देते हैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये नहीं करना, गुनाह मिलेगा,
हाथ जल जाएगा, ये होगा, इस तरह से. तो बच्चे में हम एक फियर इंड्यूस करें. अब देखिए, फियर कभी भी पॉजिटिविटी को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं. एग्जैक्टली, वो आपकी नेगेटिविटी ही प्रोड्यूस. तो जब बचपन से ही एक बच्चे की सोशल लर्निंग ही आप ऐसे करें कि ये करोगे बाबा नाराज हो जाएंगे, ऐसे करोगे तो दादी भी तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम ये करोगी तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुलाऊंगी. जैसे हमारे डरावा हमें देते हैं, इवन हम ये कहते हैं हम कमरे में बंद कर देंगे फलाने, हम किसी और चीज से रिलेट करने लग जाते हैं. तो ये चीज जो है ना, एक नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करिए. अब आप देखें, रिसर्चेस कहती है कि जो बच्चों की लर्निंग है ना, 5 ईयर्स तक आपकी जो, हम अक्सर जो चीज इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल बच्चा है इसको क्या पता चलेगा, जो मर्जी इसको कह दे, जो मर्जी इसके साथ कर ले, इसको समझ ही नहीं आनी, इससे भूल जाना है. लेकिन जो लर्निंग आपकी एज 5 तक होती है ना, वो जो चीजें उस टाइम आपने सीख ली, जो आपके जहन में बैठ गई, चाहे आया वो नेगेटिविटी बैठी है, आया वो पॉजिटिविटी बैठी है, अब वो सारी जिंदगी आपके जहन से नहीं निकलेगी, उसी पैटर्न के ऊपर डेवलप होंगे. हाँ, बहुत कोशिश करके आप अपने आप को, आप कह लें थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्रैक्टिसेस, सेल्फ अवेयरनेस के जरूर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 100% आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते. अच्छा, जो नेगेटिव सोच के हामिल लोग होते हैं वो अपनी नेगेटिविटी अपने तक नहीं रखते. बिल्कुल में भी ट्रांस बिल्कुल नहीं रखते, ये बहुत ज्यादा. और आप जब किसी नेगेटिव इंसान के पास बैठे हो ना, थोड़ी देर बाद आप खुद उससे ज्यादा नेगेटिव हुए हो. बिल्कुल बिल्कुल. आप कह लें कि ये भी साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है, इसको ना हम एक ऑरा की बात करते हैं, वाइब्स की बात करते हैं, कि नेगेटिविटी जनरेट्स नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी जनरेट. एग्जैक्टली, आप नोट करें कि बहुत दफा ऐसा होगा, आप बहुत सारे लोगों को ऐसे सिचुएशनल सोशल सिचुएशंस में या ऐसे फैमिली गैदरिंग्स में, बहुत प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप मिली होंगी, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा होगा, मुझे उनसे वाइब्स नेगेटिव आ रही होती है. Exactly. दिल कर रहा था कि वो आपके पास भी बैठे हैं, आपसे बात करें. Exactly, वो आपसे अच्छे तरीके से भी बात कर रहे होंगे ना, लेकिन आप चिढ़ना शुरू कर देते. दिस एक्चुअली हैपन्स. होता क्या है, जब एक इंसान इतना मनफी होता है, इतना नेगेटिव होता है अपनी जिंदगी के हर मामले को लेके, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई उसने अच्छा पहलू किसी चीज का नहीं देखना, वो चीज अपने अंदर से, जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक एनर्जी है, वो जनरेट कर रहा है, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है, और वो आपके ऊपर बहुत सीरियस फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तभी हम बिला वजह कुछ लोगों से चिढ़ जाते हैं, और बिला वजह कुछ लोग हमें अच्छे लग जाते हैं. उसकी भी यही वजह होती है कि वो पॉजिटिविटी जनरेट करें. और मैं ये जरूर बात कहना चाहूंगी कि अपने गट की फीलिंग को जरूर समझे. जब आपको फील हो कि किसी इंसान से आपको चिड़ चढ़ रही है बिला वजह, या आप नहीं बैठना चाह रहे, जरूरी नहीं कि आप उससे लड़ाई ही करके अलहदा हो, आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लें. आपकी अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों को आप अपनी जिंदगी से कट करेंगे, आप देखेंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ पुरसकून होगी. होता क्या है, इससे नेगेटिव लोग ना जब खुद स्ट्रेस में होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है. आपने बहुत अच्छा किया आज ये टॉपिक रखा, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है. होता है इसमें क्या है कि जब कोई इंसान नेगेटिव होगा ना, वो जब तक आपको नेगेटिव नहीं कर देगा, उसको सुकून नहीं आएगा. ये कह लें आप एक छूत की बीमारी है. वो जब तक आप फर्स्ट, अगर आप मुस्कुरा रही हैं और मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, जब तक मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर लूंगी, डाउन नहीं हो जाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे सुकून नहीं मिलेगा. जब आप डाउन हो जाएंगी ना, मैं कहूंगी मेरा मिशन अकम्पलिश हो गया, फिर मैं अगले बंदे को ढूंढूंगी कि अच्छा इस रूम में और कौन बंदा है जो खुश है, और किसको. क्योंकि इससे ये नहीं होगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, ये भी उनकी एक, आप कह लें कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है कि अगले को परेशान करके ना उनको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि वो खुद अंदर से इतने ज्यादा परेशान होते हैं, इतने तंग हुए होते हैं. जब वो फिर बाकी सबको भी परेशान देखते हैं ना, वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अकेला नहीं, सारे ही परेशान है, इट इज नॉर्मल, तो मैं आई डोंट हैव टू चेंज माय सेल्फ. वो देखो वो भी परेशान है, वो भी परेशान है, तो सारे ही परेशान होते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. जी जनाब, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और भी मेहमान है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है जिनको हमने डिस्कस करने हैं. आप देखते रहिए जागो लाहौर.